हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं हेल्दी पराठा, जो हमारा वेट लूज करने में बहुत हेल्प करेगा। पराठा या रोटी कुछ भी कह सकते हो आप उसको, अगर हल्का सा आप ऑयल या देसी घी लगा दोगे तो वो पराठा आ जाएगा। तो हम सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, और बिल्कुल प्लेन अगर हम घी या उसमें ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप उसको लंच में या डिनर में, दोनों में खा सकते हो। तो वो बनाएंगे हम चने के साथ। ये है छोले, जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह मैंने इनको उबाल लिया है। ये छोले हैं। ये है प्याज, जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और ये हरी मिर्च, एक हरी मिर्च ली है मैंने, ये भी बारीक बारीक काट ली है। थोड़ा सा धनिया, और अगर आपको टेस्ट और अच्छा करना है तो इसमें आप ये जो हमें पिज्जा के साथ ओरिगेनो मिलता है ये डाल सकते हैं। और चिली फ्लेक्स, अगर आप तीखा खाना चाहते हो तो चिली फ्लेक्स। और नमक आप जितना खाना चाहो, कम या ज्यादा, कम ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं हम अपना हेल्दी पराठा। तो चलिए, सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल। बाउल में डालेंगे ये चने जो हमने उबाल लिए थे। हमें एक ही पराठा बनाना है। मैं एक पराठे के हिसाब से चने ले रही हूँ। ये हमने चने ले लिए थोड़े से। इसमें प्याज डाल लेंगे जो हमने बारीक बारीक काटा है, और बिल्कुल बारीक काटोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो ये मैंने प्याज ले लिया है। अब इसमें डाल दूंगी ये ग्रीन चिली और कोरिएंडर। ये जो ओरिगेनो हमें पिज्जा के साथ मिलता है, मैं ये भी डालूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसमें इसका टेस्ट। और ये आपका वेट लूज में बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ एक ही पराठा खाना है सुबह। अगर आप नाश्ते में खाते हो तो एक पराठा खाना है, अगर आप लंच में खा रहे हो तो भी एक रोटी खानी है इसकी बना के, अगर आप डिनर में खा रहे हो तो भी एक ही खानी है। ये नहीं कि अच्छा लग रहा है तो आप दो दो बना लो, तीन तीन बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, एक ही खाना है। और मैं थोड़ा सा चटपटा चाहती हूँ तो मैं ये इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी। ये हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पास नॉर्मल जो होती है मतलब मिर्च जो हम सब्जी में डालते हैं वो वाली भी डाल सकते हो आप। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अब मैं इसको अच्छे से बिना चम्मच के पूरा इसके साथ मैश कर लूंगी। चनों को अच्छे से हमें ऐसे मैश करना है, प्याज के साथ बिल्कुल मिल जाएगी। ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी होता है ये। तो ये बन गई है हमारी स्टफिंग। अब लेंगे हम ये थोड़ा सा आटा, और सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। ये हमने गैस ऑन कर लिया है। तो ये ले लेंगे आटा। इसका पेड़ा बना दिया। अब इसको जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, उस तरीके से ही हमें इसको बनाना है। मैंने इसमें आटा लगा के अब इसको मैं थोड़ा सा रोटी की तरह बेल लूंगी, क्योंकि मुझे इसमें ये स्टफिंग भरनी है। मैं इसमें लगा लूंगी हल्का सा देसी घी। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, देसी घी खाना है तो देसी घी। मैं देसी घी यूज करती हूँ तो देसी घी लगा दूंगी। और जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो स्टफिंग हम इसमें भर लेंगे। और ये अच्छा हैवी भी होता है, जो आपको अगर आप डिनर भी कर रहे हो या लंच भी कर रहे हो तो ये बहुत हैवी रहता है और अच्छा पौष्टिक होता है और टेस्टी होता है। ये आपका पेट भी भरा भरा रखेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी इतनी जल्दी से। बस ये देखिए कितना मोटी लोई बन गई है हमारी।
जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं, गोभी का पराठा बनाते हैं, उसे उसी तरीके से पूरा प्रोसेस वैसा ही है, बस हमें उसकी जगह हमें चने लेने हैं। अगर हमें हेल्दी बनाना है तो उसके लिए हमें चने लेने पड़ेंगे। तो मैं अब इसको धीरे हल्के हल्के हाथ से बेल लेती हूँ कि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलना है हमें। ये बन गया है मेरा पराठा रेडी। इसको मैं तवे पे डाल दूंगी, इसको धीरे धीरे आंच पे मैं पकने दूंगी सिर्फ इसको। अब मुझे पकाना है दोनों तरफ से। अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखो, ये एक तरफ से हमारा सिक गया, ऐसे ही हम दूसरी तरफ से सेक लेंगे। वही धीमी धीमी आंच पे इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और बहुत टेस्टी क्रिस्पी, इसको आप या ग्रीन चटनी के साथ या दही के साथ, किसी के साथ भी, अगर आप रात को खा रहे हो तो आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएं और सैलेड ले लें साथ में, ये आपका अच्छा खासा वेट कम कर देता है। और अगर आप सुबह नाश्ते में खा रहे हो या दिन में खा रहे हो तो आप इसके साथ एक कटोरी दही ले लीजिए बस। ये देखो हमारा दूसरी तरफ से भी सिक गया है। अगर आपको थोड़ा सा पराठे की तरह और वो करना है तो आप हल्का सा इधर देसी घी लगा लो कि आपको थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा बस दिखाई देगा, एक पराठे वाली वो आ जाती है उसमें, मतलब लुक आ जाता है एक पराठे वाला कि हाँ हम पराठा बना के, नहीं तो वैसे रोटी की तरह खाना है तो आप इसको रात को खाएंगे बिल्कुल रोटी की तरह बना के एकदम, और बहुत टेस्टी है। सिर्फ देखिए अब मैंने कितना घी लिया, सिर्फ इतना ही घी लेना, मतलब हमारा ये छोटी चम्मच घी लगानी है हमें बस। चाहे आप ये सुबह खाओ, चाहे शाम को खाओ, चाहे रात को खाओ, तो यही एक ही चम्मच हमें घी खाना है। ये बन चुका है मेरा पराठा, हेल्दी पराठा, नॉट पराठा, हेल्दी पराठा। ये हम इसको लगा लेंगे प्लेट में। तो हमने ये कर दिया प्लेट, हमने रख दिया है दही। अब इसमें जो हमने बचा हुआ प्याज था ना हमारा, अगर आपको पसंद है प्याज खाना दही के अंदर तो वो प्याज डाल लेंगे, अगर खीरा डालना है तो आप इसके अंदर खीरा भी डाल सकते हो। तो मैं ये प्याज जो मेरा बचा हुआ था वो डालूंगी और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। मसाले डालने की जरूरत नहीं है कुछ भी हमें इसके अंदर, कि लाल मिर्च पाउडर या कुछ भी डालने कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पराठे में ऑलरेडी सब कुछ डाल रखा है, तो इसी से हमारा पराठा बहुत टेस्टी होगा। और तो ये था हमारा हेल्दी पराठा, जिसको खाकर आप अच्छे से वेट लूज कर सकते हो, और ये हेल्दी टेस्टी और यमी, बहुत टेस्टी है ये। और इसको सुबह शाम रात को आप कभी भी खा सकते हो, आप इसको सुबह नाश्ते में भी ले सकते हो, दिन में भी ले सकते हो, और इसको रात को भी ले सकते हो। अगर आप डाइट कर रहे हो तो ये आप खा सकते हो, अगर नहीं डाइट कर रहे हो तो आप ये कभी भी बना के खा सकते हो और कितना भी खा सकते हो, लेकिन डाइट के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, इससे आपका वेट अच्छे से और जल्दी से लूज होगा। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।